अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जीतू ओ पंजाब स्कूल की तरफ से आपको जो होमवर्क मिला हुआ है मैथमेटिक्स का क्लास, तो ये क्वेश्चन 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज। तो ये बेसिकली दो पॉलिनोमियल्स हैं ब्रैकेट्स के अंदर, इनको हमने क्या करना है, ये देखें आपको माइनस का सिंबल नज़र आ रहा होगा, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है दो पॉलिनोमियल्स को। तो इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे उसको हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। जी स्टूडेंट्स, तो ये दो वेरी पॉलिनोमियल्स हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही आपने अरेंज करना है जिस तरह हम करते हैं ऐड करने के लिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्स के नीचे एक्स की टर्म्स आएंगी, वाई के नीचे वाई की और जी के नीचे जी की टर्म्स आएंगी। अब देखें, ये जो पहला टर्म है, पहला पॉलिनोमियल है, ये पहले लिखी जाएगी, ठीक है, और माइनस ये बाद में, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, हमने माइनस को हम बाद में डील करेंगे, पहले हम पॉलिनोमियल्स को लिख लेते हैं। माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाई स्क्वायर माइनस थ्री जी स्क्वायर। अब देखें, ये जो है फाइव एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है, तो पहले हमने ऊपर लगाया हुआ प्लस है, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर फाइव एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस है थ्री वाई स्क्वायर, तो ऊपर हमने पहले लगाया थ्री वाई स्क्वायर, बाद में माइनस, ये माइनस आपको ऊपर नज़र आ रहा है सिक्स जी स्क्वायर। अब ये नीचे जो सिंबल थे ये कहाँ से आ गए, अब हम देखते हैं इस सिंबल को। देखें, ये था प्लस का, लेकिन जब माइनस बाहर है, सब्ट्रैक्ट हमने करना है, तो इनके सिंबल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस माइनस, ये देखें नीचे माइनस है। अब हम ऊपर वाली सिंबल नहीं यूज़ करेंगे, ये ऊपर वाली सिंबल्स वो हैं जो पहले इनके साथ थी, ठीक है। अब जब हमने माइनस को मल्टीप्लाई करवा दिया सब के साथ, अब उनकी सिंबल्स क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस नीचे प्लस है। जब ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाले सिंबल्स आपको यूज़ करेंगे। अब ये भी माइनस माइनस, नीचे क्या आ गया, सिक्स वाई जी स्क्वेयर के साथ प्लस आ गया। नाउ अब हम ऊपर वाले सिंबल्स का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, नाउ वी यूज़ जो नीचे सिंबल्स दिए हैं उन्हीं को हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम सिंबल्स का जो मसला है वो सॉल्व हो गया, हम इनको वैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं। अब देखें, ये माइनस टू है, फाइव भी क्या है, माइनस है, तो माइनस क्या आ जाएगा, सेवन, ये एक्स स्क्वायर वैसे ही साथ में आ जाएगा, ये फाइव है। अब हम सिंबल प्लस को यूज़ करेंगे क्योंकि थ्री प्लस हो चुका है, तो ये भी प्लस, एट वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का है थ्री जी स्क्वायर, लेकिन सिक्स क्या है, प्लस का है, तो सिंबल जो है वो सिक्स की आएगी प्लस, और सिक्स माइनस थ्री करेंगे तो थ्री जी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया है, दो पॉलिनोमियल्स को जस्ट हमने सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है जी। सब्ट्रैक्ट करना का मतलब ये होता है कि जो भी नीचे वाला पॉलिनोमियल होता है उनके आप सिंबल्स को चेंज करेंगे। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। आप चाहिए जो मल्टीप्लिकेशन है वो ना भी करवाएं, कोई जरूरत नहीं है, आप जस्ट सिंबल को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, इस तरह माइनस है तो प्लस कर दें, सिंबल जस्ट आपने चेंज करनी है जी। तो अब हम जो पार्ट टू है उसको सॉल्व करेंगे। ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, इनको हम माइनस करते हैं, किनको पॉलिनोमियल्स को माइनस कैसे करेंगे ये देखते हैं पार्ट टू में जी। जो पार्ट टू है वो भी बिल्कुल वैसे ही होगा, पहले आप जो है पहला पॉलिनोमियल लिखें, सिक्स एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 26 है। तो अब इसमें आप देखेंगे कि एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब की ही टर्म आनी चाहिए, तो देखें जी ये माइनस फाइव एक्स क्यूब है, तो पहले आपने ऊपर माइनस लगा दिया फाइव एक्स क्यूब, उसके बाद जो वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर की एक्स स्क्वायर की टर्म आनी चाहिए, तो वो प्लस है, तो ऊपर आपने प्लस लगा दिया थ्री एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 26 है, कांस्टेंट है, तो प्लस नाइन उसके साथ आ गया क्योंकि ये प्लस की टर्म है। अब ये माइनस है तो माइनस क्या करेगा, इन इस पॉलिनोमियल की नाइन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स क्यूब, इस पॉलिनोमियल के सिम्बल्स को चेंज कर देगा। अब ये माइनस की है टर्म फाइव एक्स क्यूब, ये प्लस हो जाएगी, थ्री एक्स स्क्वायर ये प्लस की, ये माइनस हो जाएगी, नाइन प्लस का ये माइनस हो जाएगा। जस्ट आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई ना भी करें, आपने जस्ट सिंबल चेंज कर दें, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कर दें। अब हम इसको सॉल्व करें, सिक्स भी प्लस का है, फाइव भी प्लस का, तो इलेवन एक्स क्यूब आ जाएगा। ये जी वन एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है उसमें माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है, तो माइनस प्लस माइनस टू एक्स स्क्वायर बच जाएगा टू एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस, दोनों टर्म्स माइनस किया, माइनस 26 माइनस 29, ये माइनस 35 आ जाएगा। तो आपने जी क्या किया, पॉलिनोमियल्स को माइनस कर दिया। आई होप स्टूडेंट्स ये आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं। ये बिल्कुल एडिशन ही है,
आप अरेंज वैसे करते हैं, आप वैसे ही उनको सॉल्व करते हैं। बस मसला इसमें एक छोटा सा चेंज यही है कि आप जो है नीचे वाला पॉलिनोमियल होता है उसकी आप सिंबल्स को बस चेंज करते हैं और बाद में उसको सॉल्व करते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।